एस फ्रॉम मीशो एंड आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल गर्ल्स के लिए क्योंकि मैं लेकर आ गई हूँ बहुत ही अच्छे अच्छे और बहुत ही ज्यादा प्रीटी बैग्स। आप लोग देख सकते हो ये सारे बैग्स मैंने मीशो से मंगाए हैं एंड बहुत ज्यादा लवली और बहुत ज्यादा स्टाइलिश है, कंपनी के हैं और काफी ज्यादा रीजनेबल प्राइसेस पे मुझे ये मिल गए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, लेट्स गो। सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया मैं लेकर आ गई हूँ बहुत ही अच्छे अच्छे और बहुत ही ज्यादा प्रीटी बैग्स जो कि बहुत ज्यादा स्टाइलिश होने वाले हैं गर्ल्स परस्पेक्टिव से एंड इतने ज्यादा मतलब बहुत अच्छा कलर कलेक्शन भी है और बहुत अच्छा बैग का कलेक्शन भी है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं सो प्लीज टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज एंड कमेंट और प्लीज सारी वीडियोज को गो थ्रू करें जाके क्योंकि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज मैं लेकर आ रही हूँ आजकल आप लोगों के लिए। एंड थैंक यू, मेरा चैनल फाइनली मोनेटाइज हो गया है, उस चीज के लिए वेरी वेरी थैंक यू। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो कि मैंने क्लच मंगाया है जो कि काफी अच्छे से पिंक कलर का है, कुछ पर्पल शेड्स है, कुछ पिंक है, कुछ इसी तरीके के कलर का ये है और ये क्लच है और ये काफी ज्यादा मुझे प्रिटी लग रहा था इसलिए मैंने इसको मंगाया। आप लोग इसे थोड़े से पास से देख सकते हो क्या इसमें ये इतना अच्छा सा लोगो बना हुआ है और काफी अच्छा है। बैक से अगर मैं दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके का है और मुझे इसका ये वाला जो चैन का लुक था ये काफी ज्यादा अच्छा लगा, कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ना आप लोग देख सकते हो। तो ये बैग मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था और इसको मैं जो अगर हम कहीं जाते हैं लाइक मार्केट वगैरह जाते हैं सो हम इसको इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देती हूँ, यहाँ से ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है तो लोग भी इसका काफ़ी प्रिटी था, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा था। अगर हम इसकी इनर साइड देखें तो कुछ इस तरीके का ये लुक दे रहा है जिसमें बीच में एक चैन है, साइड में ये इसके पॉकेट्स हैं जो कि डबल पॉकेट्स हैं और एक आप अपने कार्ड वगैरह होल्ड कर सकते हैं तो एक पॉकेट आ गई ये यहाँ पर। तो ये काफी अच्छा मुझे ये वाला जो स्पेस है ये काफी अच्छा लगा और ये स्पेस काफी यूजफुल है, आप लोग इसमें कॉइन्स वगैरह और कुछ भी छोटी मोटी स्लीव्स वगैरह इसमें आप लोग रख सकते हो, पेपर वगैरह इसमें रख सकते हो, टिश्यूज जो कि इसमें ईजिली आ जाएंगे, तो ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। उसके बाद ये वाला पोर्शन आप लोग देख सकते हो काफी ज्यादा इसमें स्पेस है और एज सेम एज इसमें भी इतना ही स्पेस है, ये बीच में चैन का आ गया है, इसमें आपका मोबाइल वगैरह इजीली आ जाएगा और कैश वगैरह आप लोग रख सकते हो। तो ये था एक छोटा सा क्लच बैग जो कि बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगा और कलर इसका सबसे ज्यादा प्रीटी मुझे इसका कलर लगा जिसकी वजह से मैंने इसको यू नो परचेज किया। एक इसमें चैन जाती है पीछे जो कि इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लुक दे रही है, आप आराम से अपने छुट्टे पैसे इसमें रख सकते हो और इसमें भी आप पिंस वगैरह क्लिप्स वगैरह काफ़ी अच्छा खासा इसमें स्पेस है, छोटी मोटी चीज़ें आराम से आ जाएंगी। तो ये बैग काफ़ी ज़्यादा प्रीटी है तो मुझे ये बहुत पसंद आया, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। उसके बाद आ जाते हैं हमारे ये थोड़े से बड़े बैग पर, ठीक है, क्योंकि हर गर्ल की एक अलग रिक्वायरमेंट होती है, स्मॉल साइज बैग भी उसको चाहिए समटाइम जब वो मार्केट वगैरह जाती है, समटाइम कुछ ज्यादा सामान कैरी करना है लाइक मेकअप एंड ऑल तो उसको थोड़ा सा बड़े बैग की जरूरत पड़ती है। सो इस तरीके के बैग आप लोग परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें काफी अच्छा खासा स्टफ आ जाएगा तो आप लोग देख पा रहे होंगे साइज वाइज काफी अच्छा है, काफी इसमें साइज का बिल्कुल भी इशू नहीं है और काफी रीजनेबल प्राइसेस पर है और कैरी करना भी यू नो काफी ज्यादा इसको इजी पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा, इस तरीके से आप लोग इसको इजीली कैरी कर सकते हो जो कि बहुत ज्यादा अच्छा और काफी लुक को आपके इनहेंस कर देता है। आप लोग इसको इस तरीके से हैंड में भी यूज कर सकते हो, लाइक इस तरीके से कहीं जा रहे हो तो आप लोग इसको हैंड में यूज कर सकते हो, लेके जा सकते हो, ठीक है। एक चैन आ जाती है इसके पीछे वाले पोर्शन पर, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, इसमें काफी अच्छा खासा स्पेस है, ठीक है। तो ये काफी अच्छा खासा स्पेस दे रही है तो ये आ जाती है इसके बैक एरिया पर। अनदर हम देखें तो इसमें दो पार्ट्स में ये डिवाइड है ये बैग, ठीक है। अब हम देखते हैं इस वाले पार्ट को तो इसमें इस तरीके से कुछ स्पेस है, यहाँ पर ये कुछ स्पेस दिया हुआ है जिसमें आप अपना कुछ भी कार्ड्स या फिर कुछ भी एज अ पैन वगैरह होल्ड कर सकते हो, तो ये आ जाता है इसका स्पेस, काफी स्पेस है, स्पेस की कोई कमी नहीं है तो काफी इसमें अच्छा खासा स्पेस आ जाता है, ओके। उसके बाद हम देखते हैं इसका सेकेंड वाला चैन,
तो इसमें भी SMS स्पेस काफी है, और इसमें एक प्लस पॉइंट है कि इसमें ये चेन वाला एरिया दे रखा है, तो इसमें आप लोग अपना कैश ये सारी चीजें कैरी कर सकते हैं। तो इस तरीके के बैग ही हमेशा ले गर्ल्स, खासकर आप लोगों को मैं ये बता रही हूँ। इस तरीके के बैग अगर आप लेंगी तो उसमें आपका सारा सामान आ जाएगा, आपके जो भी मनी वगैरह है वो भी इजीली यहाँ पर आ जाएगी। तो ये बैग मुझे पड़ा 450 रुपीज़ का, जो कि काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस पे मुझे बैग पड़ गया। और आप लोग देख सकते हो इसका जो फ्रंट लुक है वो कितना ज़्यादा स्टाइलिश है, कितना ज़्यादा ये लुक प्रिटी लग रहा है। ये वाला पोर्शन और ये वाला जो लोक वाला पोर्शन है ये भी कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोग इसमें जो बड़ी वाली चेन होती है वो भी अटैच कर सकते हो, उसके लिए भी स्पेस है, लेकिन मुझे पर्सनली ये वाला लुक इसका ज़्यादा पसंद आ रहा था तो मैंने इसको इस वाले लुक में ही रखा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट बैग पर, जो कि अगेन एक स्मॉल टाइप क्लच है, और ये बहुत ज़्यादा प्रिटी है मार्केट वगैरह लेके जाने के लिए। आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है, कितना ज़्यादा शाइनी है। तो ये है इसका फ्रंट लुक, जिसपे एक प्यारी सी बाबी डॉल बनी हुई है, ठीक है, जो कि कलर चेंज करती है इस तरीके से। और ये थोड़ा सा किडिश टाइप बैग है, थोड़ा सा बच्चे इस तरीके के बैग्स लेते हैं, तो पर्सन मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने इसको मंगाया अपने लिए। और इसमें अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो इस पे स्पेस बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर इसमें 3 साइड्स इधर हैं, 3 इधर हैं, जिसमें मैं मेरे कार्ड्स वगैरह इजिली होल्ड कर सकती हूँ। इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मतलब इस इतने छोटे बैग में इतना ज़्यादा स्पेस होगा चीज़ों को कैरी करने के लिए। तो यहाँ पर हम कार्ड्स वगैरह रख सकते हैं, एक पॉकेट इसमें ये वाली आ गई, और उसके बाद इसमें डबल आ गई इस तरीके से। एक एरिया यहाँ पर है, एक एरिया यहाँ पर है, और एक यहाँ पर ये चैन वाला एरिया, आप लोग देख पा रहे होंगे ये इधर चैन वाला एरिया। तो इसमें स्पेस काफ़ी है इस वाले बैग में, थोड़ा सा पास से देख लो तो स्पेस इसमें काफ़ी है। तो मुझे इस तरीके के बैग्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और ये मैंने इसलिए मंगाया। और लॉक वाइज भी ये काफ़ी अच्छा है, इजीली लॉक हो जाता है, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई लिटरली लव दिस बैग, एंड ये मुझे पड़ गया ओनली 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ में इस तरीके के बैग को हम मार्केट वगैरह लेके जा सकते हैं कैरी करने के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये वाले बैग्स जो मैंने यहाँ पर लगा दिए थे क्योंकि वो अच्छे लग रहे थे, बस और कोई मोटिव नहीं था। तो ये एक बैग आ जाता है जिसकी चैन काफ़ी लंबी है, और इसको हम साइड से भी होल्ड कर सकते हैं, इधर शोल्डर से भी होल्ड कर सकते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसकी जो ये वो है टांगने के लिए, ये जो लेंथ है ये काफ़ी अच्छी खासी है। और ये आ गया, तो इसका ये फ्रंट लुक आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा प्रिटी है, फ्लावर बने हुए हैं और इस तरीके से ये है। अभी मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ, सिंपल इस तरीके से हम इसको ओपन कर लेंगे। ये वाला इसमें लॉक है, और अगर हम इसमें स्पेस की बात करें सो लुक इसमें स्पेस काफ़ी अच्छा खासा है। ठीक है, ये वाली जो मुझे इसकी चेन थी ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, काफ़ी इसका अच्छा लुक है। और ये देखो इतना ज़्यादा स्पेस यहाँ पर है, इतना ज़्यादा स्पेस यहाँ पर है, और ये मिडिल से भी इतना स्पेस है। तो आप लोग देख सकते हो कि 1, 2 एंड 3 थ्री तरीके से हम इसमें हमारे सामान को कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप लोग अपना कोई भी मोबाइल और रख सकते हो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये इसमें काफ़ी अच्छा खासा स्पेस इस बैग में गिवन है। तो ये बैग मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा था। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक तो इसका कलर बहुत ज़्यादा प्रिटी है, इसका ओवरऑल जो ऊपर का लुक आ रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा ये मैंने सारे वो वाले बैग मंगाए थे जो शोल्डर पे कैरी हो पाए या फिर जो हैंड में लिया जाए, इस तरीके का कोई बैग मेरे पास नहीं था। सो इस तरीके का भी कुछ होना चाहिए जिसे हम इजीली इस तरीके से डाल सकें, लाइक दिस हम इसको डाल सकते हैं इस तरीके से। सो ये काफ़ी अच्छा लगता है, ये लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो ये भी मुझे काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस में पड़ गया, ये पड़ा मुझे 250 रुपीज़ का। 250 रुपीज़ में मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा 250 रुपीज़ में। अनदर आ जाता है ये वाला बैग, ये मेरा फेवरेट था, जितने भी बैग्स मैंने मंगाए उनमें सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे ज़्यादा क्लासी मुझे यही लगा। और ये पर्सनली मैंने मंगाया है फॉर पार्टीज एंड ऑल, तो कहीं भी अगर आप नाइट आउट पार्टीज के लिए जाते हैं, ठीक है, किसी भी वेडिंग फंक्शन में जाते हैं, ड्रेसेस के ऊपर इस तरीके के जो शाइनिंग बैग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप लोग देख सकते हो इसका लुक कितना ज़्यादा अच्छा है और ये कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है लुक। ठीक है, तो इस पे ये जो इसने प्यारे से ये जो इस पे ये स्टोन्स और ये सब लगा हुआ है,
ठीक है, ये बहुत ही अच्छा लुक इसको दे रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा पास से इसको देख लो। और तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और इसकी चैन चैन का लुक मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इस तरीके के बैग्स बेसिकली ज़्यादा सामान कैरी करने के लिए नहीं होते हैं। ये इसका बैग एरिया है जो कि काफ़ी अच्छा है, और ये फ्रंट है। और इस तरीके के बैग्स में आप लोग सिंपली अपनी एक दो मेकअप के आइटम्स, अपना मोबाइल और थोड़ा सा कैश, बट इतनी ही चीज़ें आप लोग इस तरीके के बैग्स में रख सकते हो जब आप पार्टीज़ वगैरह में जा रहे हो। ऐसे बैग्स में आप लोग ज़्यादा सामान नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि इस तरीके के बैग्स में स्पेस ज़्यादा नहीं होता है। आप लोग देख पा रहे होंगे स्पेस सिर्फ इतना ही है, तो इतने में मोबाइल, थोड़ा मेकअप का सामान और कैश काफ़ी अच्छे से आ जाएगा। और काफ़ी अच्छा इसका ये लुक है, तो ये इजीली कैरी करने में भी बहुत इजी रहेगा। इसका लॉक भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा खासा है, इजीली नहीं खुलता है, तो कुछ भी सामान गिरने का तो डर है ही नहीं। तो मुझे ये बैग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग साइड से वगैरह देख सकते हो कितना इजी, कितना अच्छे इसको बनाया गया है। ठीक है, ये है और ये इसका फ्रंट लुक है। तो ये बैग सबसे ज़्यादा कॉस्टली यही बैग था, लेकिन पार्टीज के लिए ऐसे बैग अच्छे रहते हैं। सो मैंने मंगाया, ये बैग पड़ा मुझे 850 रुपीज़ का। तो ये बैग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको मंगाया। इस तरीके से हम इसको कैरी कर सकते हैं 10-10 एंड। सो आई लिटरली लव दिस बैग। उसके अलावा एक आ जाता है मेरा ये छोटू सा मिनी बैग, जो कि बहुत ज़्यादा छोटा है, जिसको हम इजीली मार्केट वगैरह अगर हम जा रहे हैं छोटी मोटी शॉपिंग करने के लिए, तो हम इसको कैरी कर सकते हैं। इसका कलर अच्छा लग रहा था, और ये प्योर लेदर में है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और बस ये इसमें सिर्फ एक ही चैन है, और इसमें इतना सा स्पेस है, सिर्फ मोबाइल और आपका कैश वगैरह इसमें आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो ये बैग काफ़ी अच्छा है। सो गाइज, ये ओवरऑल वीडियो थी मेरी आज की, जिसमें मैंने आपको बैग्स के बारे में बताया और डिटेलिंग करी जो मैंने मंगाए। होप आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। सो मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। टेक केयर, टिल देन, बाय बाय।